गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आई एम बैक टू माउंटेन और अभी मैं हूँ हिमाचल की अपनी सबसे फेवरेट जगह मैक्लोडगंज धर्मशाला में। इस बार मैं जहाँ रुकी हूँ ये बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है। लेट मी शो यू माई रूम। प्रॉपर्टी में मैं रुकी हूँ उस प्रॉपर्टी का नाम है लावा का होस्टल और ये बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है। दिस इज द परफेक्ट पॉइंट उनके लिए जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। यार ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आप जो बिना मास्क के देख रहे हो तो मैं बिना मास्क के ट्रैवल कर रही हूँ। आई हैव दिस मास्क क्योंकि हाइक करना है, इसलिए शायद मैं बीच बीच में उतारूँ, बट पूरी सेफ्टी के साथ मैं ट्रैवल कर रही हूँ। सो सबसे पहले चलते हैं मैक्लोडगंज जहाँ आपको लिटिल लहसा वाइब भर भर के मिलेगी। ये तो बेसिक है, दलाई लामा टेम्पल just at the end of main McLeodganj market, which is right now closed due to COVID. But this entity that this place hold cannot be matched. So कोरा बोलते हैं उस सर्कमेट्री राउंड को या परिक्रमा को जो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग लेते हैं अपने टेंपल के आसपास। ये रास्ता दलाई लामा टेंपल के अराउंड होकर जाता है एंड ये अपने आप में ही एक मेडिटेटिव तरीका है धर्मशाला को एक फीलिंग की तरह समझने के लिए। और दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपको टैक्सी मिल जाएगी फॉल मर्चेंट्स के सामने। मोस्टली यहाँ से साइट सीइंग या नड्डी इन सब के लिए टैक्सी मिल जाती है। After Dalai Lama Temple, I headed toward Dharamshala by taking taxi to visit HPCA Stadium, which is a cricket stadium. And to visit a hidden tea garden. If you see, on the other hand, that existence is musical in nature, that is to say that it is not serious, it is a play. लेट्स गो टुवर्ड भागसु वाटरफॉल और ये एक मार्केट है भागसु की तरफ जाने वाली। सो दिस इज द मार्केट, दिस इज द परफेक्ट प्लेस अगर आपको शॉपिंग करनी है तो। फेमस है भागसु टेम्पल के नाम से एंड उसके आगे है वाटरफॉल। सी द व्यू, ऊपर पूरा कवर हो गया है माउंटेन। एंड नाउ आई एम एंटरिंग भागसु टेम्पल। अभी
यहाँ पे आते हो ना, अच्छा लगता है और एक पीस मिलता है। और मेरे लिए यहाँ पे आना इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैं जब जब यहाँ पे आती हूँ मैं उन भैया की सोन पापड़ी जरूर खाती हूँ। आप बहुत टाइम से बैठ रहे हैं ना यहाँ पे? जी जी। अप्रोक्स कितना टाइम हो गया होगा? 30 साल हो गए, 1990। ये क्या आप बनाते हैं या खरीदते हैं? और अभी सोन पापड़ी खाने के बाद मैं प्लान कर रही हूँ वहाँ कहीं जाने का। उस साइड है भागसू वाटरफॉल। इस बार शायद स्नो नहीं पड़ी अच्छे से तो पानी का फ्लो उतना ज़्यादा है नहीं। तो ये रास्ता है वाटरफॉल के लिए एंड जो डेस्टिनेशन है वो वहाँ कहीं। सो बेसिकली वहाँ तक पहुँचने के लिए अप्रॉक्स 1 किलोमीटर का हाइक करना पड़ेगा और बीच बीच में ऐसे कैफे आपको मिलते जाएंगे। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम चले और नज़ारा कुछ ऐसा है। वाओ। पानी बिल्कुल ना के बराबर है और यहीं से एक रास्ता जाता है जो कि ट्यून ट्रैक के लिए निकलता है। तो यहाँ से भी इफ़ यू वांट आप ट्यून ट्रैक कर सकते हो। 2-3 लोगों से बात की मैंने जिन्होंने यहाँ से ट्रैक किया है ट्यून का, तो दे आर लाइक कि थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ से और ज़्यादा स्टीप है एंड नो डाउट जब यहाँ से भागसू जाते हुए हालत ख़राब हो जाती है तो यहाँ से ऊपर जाना तो सच में डिफ़िकल्ट होगा। और एज़ कम्पेयर टू गलू वाला वो ज़्यादा सीनिक है। सो वन मोर थिंग अबाउट ट्यून ट्रैक, अगर आप ट्यून करना चाहते हो भागसू से मेक श्योर आप जब भी स्टार्ट करो या तो आपने नीचे से कैंप साइट बुक कर रखी हो क्योंकि ऊपर कैंपिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और अगर आप गलू से जाते हो क्योंकि वहाँ पर एक परमिट पॉइंट है जहाँ पर आपको अपना सामान प्लास्टिक्स और कैंप साइट की बुकिंग शो करनी पड़ती है अगर आप 11 बजे के बाद जा रहे हो तो। नहीं तो अगर आप डे हाइक करना चाहते तो आपको 11 बजे से पहले ही ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि 11 बजे के बाद वो अलाउ नहीं करेंगे। सो या दिस इज द लेटेस्ट अपडेट अबाउट ट्यून ट्रैक। और ट्यून पे आपको कैंप नहीं मिलेगा, जो कैंप साइट है वो ट्यून से थोड़ा पहले है। सो आफ्टर भागसू वाटरफॉल अगर आपके पास टाइम और हिम्मत बचे तो आप नदी व्यू पॉइंट से सनसेट भी इंजॉय कर सकते हो। देयर इज वन डल लेक, आप वहां भी जा सकते हो। सो फाइनली इस प्यारे से रूम को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। आज रात के 8 बजे की बस है मैक्लोडगंज से। यार पहाड़ देख के ना मन नहीं कर रहा जाने का, बट जाना तो पड़ेगा और निकल तो गई हूँ। बट अब 1 घंटा ही बचा है और यहाँ से मैक्लोडगंज बस स्टॉप पहुँचना है नहीं तो बस आज जाएगी हाथों से। मौसम कितना साफ हो गया। फाइनली आई रीच मैक्लोडगंज। ये रास्ता ज़्यादा भागसू के लिए जिधर से मैं आई हूँ
एंड यहीं से ऊपर की ओर रास्ता जाता है धर्म कोट के लिए। दिस इज द शॉक ऑफ मैक्लोडगंज पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ। वो वाली जो लेन है फर्स्ट लेन जब आप बस से या कहीं से आते हैं वो है मॉल रोड। और दिस इज अ जोगीवाड़ा रोड जो कि नीचे अगर आप जाओगे तो इलेक्ट्राती कैफे पे मिलेगा एंड बहुत सारे होटल्स भी हैं इस रोड पे। दिस इज अ मॉल रोड जो कि आपका निमगल मॉनेस्ट्री के लिए जाता है। बट यहीं पे एक रास्ता है जो जोगीवाड़ा रोड को कनेक्ट करता है। सो लेट्स गो ऑन दिस रोड। अच्छी बात ये है इस रोड की कि आपको इस रोड पे शॉपिंग के साथ साथ खाने के भी ऑप्शन मिलेंगे एंड इसी रोड पे एक गवर्नमेंट क्लिनिक भी है इन केस अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है जो कि जस्ट मेरे सामने है। दिस इज द गवर्नमेंट क्लिनिक। अभी हो रहा है 6:41 और फटाफट भागना है इससे पहले कि बस छूटे। और दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपको टैक्सी बुकिंग मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे घूमने के सिर्फ दो कन्वेंस है, ऑटो और टैक्सी। अगर आप चाहते हो यहाँ पे स्कूटी रेंट करना सब कर सकते हो। नियर अबाउट प्राइस 500 होगा और मेरा बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बस जो कि ऑटो स्टैंड के आगे है जहाँ के लिए मैं जा रही हूँ, जहाँ से इंटर स्टेट और लोकल दोनों बसेज मिल जाती है मैक्लोडगंज की। दिस इज़ द पॉइंट मल्टी लेवल पार्किंग के थोड़ा सा आगे आके जहाँ से बसेस चलती है और ये मैक्लोडगंज का बस स्टैंड भी है। सर दिल्ली वॉल्वो 7 बजे वाली है ना? हाँ जी हाँ जी। ये तो धर्मशाला में चेंज होगी ना? मुझे भी झटका आने वाला था सर। तो दिस इज माई बस। दिस इज धर्मशाला बस स्टॉप और अभी फिलहाल यहाँ वेट करना है क्योंकि हमारी वाली बस आने में टाइम है। सो फाइनली बस रेडी है, 8 बजे बस खुल जाएगी। और पानी ले लिया, स्नैक्स ले लिए, ऑयल चेक एंड सामान अपना सेफली यहाँ रखवा दिया है। होपफुली सेफली दिल्ली तक भी पहुँच जाए क्योंकि पता नहीं सामान अगर बीच में किसी ने डाला तो मेरे बैग की तो ऐसी तैसी हो जाएगी और जो मेरा ग्रहण है मेरा लैपटॉप वो मुझे धोखा दे जाएगा अगेन। सो या दिस इज़ इट फॉर धर्मशाला ब्लॉग। अंदर चलते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय। ब्लॉग वॉज जस्ट एन आइटिनरी ऑफ धर्मशाला उनके लिए जो यहाँ पे थोड़ा सा चिल करने और थोड़ा बहुत घूमने के लिए आए हैं, पर अपना रियल ट्रैवल हंट तो अभी बाकी है।